Good morning, everyone. How are you? Very good. I hope you are fine. Yes. Last year, आप नर्सरी क्लास में थे. नर्सरी क्लास में आपने क्या सीखा था हिंदी में? स्वर. स्वर क्या होते हैं? स्वर होते हैं अ से अह. बट आप कौन सी क्लास में आ गए हो? एलकेजी क्लास में. और अब एलकेजी क्लास में आप क्या सीखोगे? व्यंजन सीखोगे, दो अक्षर के शब्द सीखोगे, तीन अक्षर के शब्द सीखोगे, चार अक्षर के शब्द सीखोगे. बट हमें स्वर को बिल्कुल भी नहीं भूलना है, क्योंकि जब भी हम दो अक्षर के शब्द लिखेंगे, तीन अक्षर के शब्द लिखेंगे, जो भी लिखेंगे, तो हमें स्वर की जरूरत पड़ेगी. ठीक है, तो इसीलिए हमें स्वर की प्रैक्टिस डेली करनी है. ठीक है, इसको भूलना नहीं है कि नर्सरी का सिलेबस था, नर्सरी भी गई तो सिलेबस भी गया. ऐसा नहीं करना है, हमें क्या सीखना है? स्वर. ओके, तो स्वर क्या होता है? अ से अह. ये क्या होते हैं? स्वर. और व्यंजन क्या होते हैं? ये आपको पता है, व्यंजन होते हैं जिसमें स्टार्टिंग होती है क से कबूतर से और ज से यानी बाबा तक, वो होते हैं व्यंजन. हम वो भी सीखेंगे, स्टेप बाय स्टेप हम सब सीखेंगे, बट हम स्टार्टिंग आज करेंगे क से. ओके, यस. अनार. ओके, ये क्या है बेटा? अ से अनार. हमें क्या करना होता है? अ स्मॉल कर और इक्वल स्मॉल कर. बट इस कर को जब हम सेकंड कर्व को बनाते हैं, तो इस कर्व को हमें ऊपर तक लेके जाना होता है. ओके, ये होता है राइट. हिंदी में जब भी हम लिखते हैं अ से अनार, आ से आम, छोटा ऊ से उल्लू, तो हमें ये सेकंड कर्व को ऊपर तक लेके जाना होता है. कई बच्चे क्या करते हैं? ये नो, ये रॉन्ग है बेटा, आप ऐसे नहीं लिखोगे. ओके, इस कर्व को ऊपर तक लेके जाओगे और इसको भी सही से मैच करोगे. ओके, यस. अ से अनार, आ से आम. क्या लिखेंगे? छोटी से इमली, छोटी सी स्टैंडिंग लाइन, राइट से, लेफ्ट से, एंड ऊपर से टे. क्या है ये? ई से इमली, बड़ी ई से ईक, बड़ी ई से ईक, मुन्ने राजा कुछ, छोटा उसे पल्लू, छोटा उसे पल्लू, बड़ा उसे ऊन, बड़ा उसे ऊन, बड़ा उसे ऊन में पीछे टेल होती है. ओके, और छोटा उसे उल्लू में टेल नहीं होती है. री से ऋषि बाबा, री से ऋषि बाबा, ए से एडी, ए से एडी, ए से एडी में भी बच्चे मिस्टेक करते हैं. स्टैंडिंग लाइन, देन स्लैंटिंग लाइन. ओके, और फिर हम यहां से कर्व बनाएंगे और इस डॉट तक मिलाएंगे. ओके, बट कई बार बच्चे जल्दबाजी में इसको यहां से यहां मिला देते हैं, बट ये रॉन्ग है ना, ये बिल्कुल भी सुंदर नहीं लग रहा. और ये कितना सुंदर लग रहा है ना, आप इसको ध्यान से करोगे. अगर आप अभी से हैबिट बना लोगे, अपनी छोटी छोटी मिस्टेक पे ध्यान दोगे, तो आपकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी होगी. ओके, आई से आईना. आईना क्या होती है?
मैम ने क्या लगाया है? अनार. ओके. ओ से ओखली. ओ से ओखली. ओके. औ से औरत. वन का सेकंड का कर्व को ऊपर तक लेके जाएंगे. स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, एक और स्टैंडिंग लाइन और हेड से लगाएंगे औसे औरत में टू बलून. ओके. औसे औरत में कितने बलून आते हैं? टू बलून. ओके. अभी आप नर्सरी में थे तो आप इसको क्या बोलते थे? हेड पे बलून. बट अब आप एलकेजी में हो गए हो, आप बिग स्टूडेंट हो गए हो तो आप इसको क्या बोलोगे? मात्रा. ओके. जब हम किसी भी अक्षर के ऊपर ऐसे बलून बनाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? मात्रा. ओके. हमने ऐसे आईनक में भी मात्रा लगाई है, उसे ओखली में भी मात्रा लगाई है और उसे औरत में भी मात्रा लगाई है ना. अंग से अंगूर. अंग से अंगूर. और से अनार. के जैसे लिखा और हेड पे छोटे से बिंदी. ओके. हेड पे क्या है? छोटे से बिंदी. अंग से अंगूर. आहा घर खाली. आहा घर खाली में क्या होता है? और से अनार लिखा और पीछे बिंदी. ओके. अगर खाली. बच्चे बजाओ ताली. वेरी गुड. अब देखो इस चीज की आपको रिवीजन करनी है जरूर, बिल्कुल भी नहीं भूलना है. ओके. आप इसको अच्छे से करोगे, प्रॉपर लाइन में करोगे और प्रॉपर वे में करोगे. ओके. इसी टू लाइन में लिखना होता है. इजीली लिखते हो आप लोग? कैसे लिखते हैं कई बच्चे? स्टैंडिंग लाइन, बड़ा सा कर्व बनाया, फिर बड़ा सा कर्व बनाया और ये बाहर आ गया. ये रॉन्ग है बेटा, ऐसे नहीं लिखोगे. ओके. स्मॉल ही लिखना है, छोटा छोटा और सुंदर सुंदर. ओके. बाय.